क्या? हाँ। पर मुझे विस्तार से सारी बातें बताओ तो सही। अरे भैया इसमें विस्तार से बात बताने की कुछ है ही नहीं, कुल इतनी सी बात है कि तुम्हारे भाग भुजाओं में दम हो तो प्राप्त कर ले अपनी चाहत को। मित्र क्या लिखा है पत्र में? अगर मेरी भुजाओं में बल है तो तुम ही बताओ मेरी भुजाओं में बल है। इतना क्या चेक कर रहा है? फिर अरे आप तो इन भुजाओं के बल को अभी करने से कुछ नहीं होगा। ये प्रेमिकाएं बहुत ही चोटी है, ये पहले नहीं बताती इनको आदमी के भीष्म में बाहुबली चाहिए। जब आदमी इनके प्यार में पागल हो जाता है तब ये खबर भिजवा देती है कि भुजाओं में दम होता है, ले जाओ है? रचनी पड़ेगी। okay. अगर निर्भय सिंह के पास कोई इंसान जाए और उसे ये बोले कि मुझे राजा राघव सिंह ने ये मैसेज देकर भेजा है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कराऊंगा, तो बुड्ढे को वही हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगा। पर मित्र किसी और की शादी तोड़कर नहीं खुद की शादी कैसे हो सकती है? हम खुद की शादी का भी तो प्रयत्न कर सकते हैं। आपकी शादी का तो एक ही रास्ता है। अगर आपके पिताजी राजा राघव सिंह को मैरिज प्रपोजल भेजे तो शायद वो एक्सेप्ट कर ले। पर मित्र खुद की शादी की बात करते हुए मुझे शर्म नहीं आएगी। मित्र तू ही मेरे पिताजी से बात क्यों नहीं कर लेता? मैं तो खुद उनसे डरता हूँ, वो प्यार से भी मेरी तरफ देखते हैं तो मैं कहाँ जाता हूँ, मेरी तो उनके सामने नजर नहीं होती, मैं क्या बात करूंगा। मित्र मेरे लिए इतना और कर। नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। होगा होगा। नहीं होगा। होगा होगा। नहीं होगा। होगा। जवान हो गए हैं, वो तो जन्म से ही जवान है। अरे भाई मेरा बेटा है, किसी ललन चप्पू का बेटा थोड़ी है। जी ये तो
बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए मेरी शुद्रवती के अनुसार उनका विवाह हो जाना चाहिए। Thank you.
मिला हूँ। आप बड़े व्यस्त आदमी हैं। नागपणी से शादी करना चाहती। शादी का नाम मत लीजिए। पर सच तो यही है कि मैं नागपणी से शादी करना चाहती। जो भी है, पर अब शादी शब्द का मत कीजिए। पर क्यों? बस मत कीजिए। पर फिर मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बताऊं कैसे? अरे मुझे सब पता है, आपका और नागपुरी का सिर का मामला है। आपके पिता 10 साल करते हैं और हमारे राजा आपको पूरी कौड़ी भी नहीं दे रहे। पर मुखिया मास्टर जी, राजा साहब तो आपकी चक्कर में है। आप कहे तो 10 क्या वो 20 लाख देने को भी तैयार हो जाए। और फिर हमारी शादी। मतलब बस यही अनुरोध करने आया था मैं। और इसके लिए आपको जो भी सहायता चाहिए आप हमें बताइए, है ना? आपकी मदद करने की तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। बदले की क्या हो सकता है? अच्छा, शुक्रिया। सुनिए, रुकिए। जी, अगर आप या कुछ उपकार करना ही चाहते हैं तो बताता हूँ, शायद आप कर पाए। बड़ा कठिन कार्य है। अरे ऐसा भी क्या कठिन कार्य है, आप बताइए तो सही। नागू के लिए कुछ भी। जी दरअसल बात यह है कि मैं भी शादी करना चाहता हूँ। शादी? जी दरअसल बात यह है कि आज से 25 साल पहले मैंने मेरी प्रेमिका को वचन दिया था, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, वरना आजीवन कुंवारा रहूंगा। इधर मैं मेरे वचन का पालन कर रहा हूँ और वो अपने दो बच्चों का पालन कर रही है। आप जब मैं शादी करना चाहता हूँ तो मेरे को कोई लड़की नहीं मिल रही है। अगर आप लोग मेरी शादी के लिए दुल्हन ढूंढ सके तो एक ही मंडप में शादी कर लेंगे, दुल्हन कोई नहीं चलेगी। मुझे तो बस शादी करनी है। मित्र, यहाँ हम अपनी शादी की बात करने आए थे और हमारे साथ तो खुद की सेटिंग बैठा रहे हैं। मित्र, नागपणी को पाने का तो यही तरीका है, कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? एक बार मेरी शादी हो जाने दे, फिर देख लेंगे हमारे का क्या करना है। अगर हमारे ने गोचे किए तो? नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। आपको आपकी दुल्हन मिल जाएगी, पर शर्त यह है कि आपकी मुलाकात उससे शादी के दिन ही होगी। बस तो फिर शादी पक्की। मुबारक हो, मुबारक हो।